शिलाजीत की। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका सदियों से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये हिमालय पर्वतों की चट्टानों से निकलने वाला एक काले भूरे रंग का चिपचिपा एक पदार्थ है जो चारकोल की तरह दिखाई देता है। इसके अनेकों फायदे देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में अनेक औषधियों को बनाने में शिलाजीत का उपयोग किया जाता है। इसमें चांदी, कॉपर, जिंक, आयरन के साथ साथ अनेकों इसमें हमें तत्व देखने को मिलते हैं। इसमें रेजिन, एल्ब्यूमिन, पॉलीफेनॉल, फेनोलिक लिपिड और बहुत सारे अनेकों इसमें हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि शिलाजीत का सेवन खाली पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जितना पुरुषों के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होता है, उतना महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं और निरोगी को कर ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। अल्जाइमर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आपकी मेमोरी पावर कमजोर है और आपकी याददाश्त कमजोर है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी अल्जाइमर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए शिलाजीत का सेवन करना इसमें फायदेमंद माना जाता है। एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आपको समय से पहले ही आपके फेस में एजिंग के लक्षण आपके सामने आ गए हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो ये तीनों दोषों को संतुलित करने वाली है। इसका काफी फायदा हमें देखने को मिलता है। शिलाजीत समशीतोष्ण प्रकृति का है, मतलब न अधिक ठंडा होता है और न ही अधिक गर्म होता है, इसीलिए इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। और ये तीनों दोषों का संतुलन बैलेंस करने में काफी फायदेमंद होती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में फायदेमंद होती है, जिससे स्पर्म काउंट यदि आपके वीर्य नहीं बन रहा है तो उसके लिए फायदे का काम करती है। पावर को बढ़ाती है, हमारे ऊर्जा को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। शिलाजीत में एंटी इंफ्लामेशन गुण पाए जाते हैं, इसलिए यदि आपको स्वेलिंग की समस्या है, सूजन की समस्या है या फिर आपकी जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए फायदा करती है। मेमोरी पावर को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, हमारे फोकस को सुधारने में बहुत ही फायदा करती है। यदि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको यूरिन पास आउट करने में जलन महसूस होती है या फिर आपको अनेकों प्रॉब्लम होने की समस्या है, जैसे आपको बार बार यूरिन आने की समस्या है, आपको पॉली यूरिन की समस्या है, इसमें फायदा हमें देखने को मिलता है। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें भी ये फायदा करती है। ये हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, इसीलिए ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। फैटी लीवर के लिए बहुत ही फायदा करती है। यदि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब आपको अधिक फैटी लीवर होने की संभावना होती है, इसीलिए यदि आप फैटी लीवर से परेशान हैं तो आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। इसको आप शहद के साथ ले सकते हैं शिलाजीत को। यदि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स अत्यधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तब आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हमारी बॉडी में खून बनाने का काम करता है। यदि आप गर्भावस्था में हैं या फिर स्तनपान करा रहे हैं तब आपको शिलाजीत का सेवन करने से बचना चाहिए, पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको श्वास फूलने की बीमारी है, आपको दमा की प्रॉब्लम है, इसमें भी शिलाजीत का सेवन करना अत्यधिक फायदेमंद माना जाता है। यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपका सही से पाचन नहीं हो रहा है या फिर आपकी जठराग्नि बिल्कुल मंद हो गई है जिसके कारण आपको अनेक पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ब्लॉटिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब आपको शिलाजीत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, बढ़ाती है और डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, जिसके कारण हमें बहुत ही फायदा इसका देखने को मिलता है। यदि आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए, जैसे अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड्स वगैरह, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए जब आप शिलाजीत का सेवन करते हैं। और इसके साथ साथ आप उल्टी दाल का भी सेवन ना करें जब आप शिलाजीत लेते हैं, तो उसके 3 से 4 घंटे बाद आप खा सकते हैं। जब आप शिलाजीत की डोज ले रहे हैं टाइम पे ये सब चीज आपको एक साथ सेवन नहीं करना है। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें तो आप एक दिन में 0.5 ग्राम, 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं या फिर 250 मिलीग्राम तक आप इसका सेवन कर सकते हैं इन अ डे, एक दिन में। और आपको इसका कितने लंबे समय तक सेवन करना है, 1 वीक तक, 2 वीक तक, 3 वीक तक, ये आपको डिजीज आपके रोग पे निर्धारित करती है और आपकी बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड होती है कि आपको कितने लंबे समय तक, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ तक सेवन करना है। इसका परामर्श अपने डॉक्टर से ले सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।